dear students, i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making. this is module number 264 and the topic of discussion is using emotions to solve problems. remember, when we have to solve problem, we have to think differently. we have to think creatively and we have to control our emotions, take our emotions, a roadblock creativity in the development of our progress and in the development of our decision making. Is there are a few things that we need to understand in terms of emotions and problems. It is said that the ability to use emotions to facilitate thinking recognizes that thinking is assisted differently by different moods. Now, this is a very important perspective. This is a very important explanation. Just may hum, thinking ko moods <laughs> ke associate डिफरेंट थिंकिंग डिफरेंट मूड्स के साथ एसोसिएटेड है और ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत अहम है समझना बिकॉज इसके बगैर हमारी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग कैन बी चैलेंज नाउ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशंस आर इग्नोर्ड इसकी कुछ रीजन है हमारे पास जिन रीजन को हम वन बाई वन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज ए मिथ ऑफ रैशनैलिटी एंड दैट मिथ इज दैट इमोशंस वर सीन एज इेशनल जबकि ये चीज प्रैक्टिकली प्रिवेल नहीं करती मैनेजर्स वर्क टू मेक इमोशन फ्री एनवायरमेंट यह भी एक मिथ है विच इज नॉट समथिंग वी शुड बी अप्रिशिएटिंग विच इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी पुटिंग एफर्ट अपॉन इसके बरक्स द व्यू ऑफ इमोशनैलिटी सेज दैट इमोशंस वर बिलीव्ड टू बी डिसरप्टिव इट इज ऑल्सो इमोशंस इंटरफेयर विद प्रोडक्टिविटी एंड मेनी टाइम्स इट वॉज द बिलीव दैट ऑनली नेगेटिव इमोशंस वर ऑब्जर्व इन तमाम तरह चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, until, हम इमोशंस की ओरिजिनैलिटी को नहीं जान पाएंगे हम उनको अप्रोप्रियट वोकेबलरी नहीं दे सकेंगे हम अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट डेवलप नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक इमोशंस वुड बी टेकन दैट समथिंग विच इज गोइंग टू हैव इंटरप्शन इन अवर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव परफॉर्मेंस जबकि remember one thing that now we know that emotions cannot be separated from the workplace. now this is a very important perspective and very important finding which is even supported by the research. That emotions workplace workplaces separate from kar workplace because as far as the workplace is human-oriented, emotions kahona ekbaralazmi amar hoga. iskabat emotions and leadership kaham compare kare. to that कि द लीडरशिप विच एम्ब्रेस द इमोशनल साइड ऑफ डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पंप लाइफ एंड मीनिंग इन टू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड ब्रिंगिंग लाइफ इसके बारे में हम कई मरतबा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज होती हैं अब टॉप मैनेजमेंट के केस में भी अगर हम लीडरशिप परसपेक्टिव को देखें तो वी हैव टू बी केयरफुल कि उनके थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं उनके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या हैं किस तरह से वो अपने आप को व्यवस्था कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस काम के साथ उस प्रोफेशन के साथ जाहिर है वहीं से ही हमारे पास एक क्लू जनरेट होगा जो कि डाउन दरार की वो मूव करेगा याद रखिएगा कि मैनेजमेंट में द लीडरशिप रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट और लीडरशिप ये डिफाइन कर पाएगी कि लोग किसी मामले को किसी काम को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट उसके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट उसके साथ अपनी लॉयल्टी वो कैसे डिवेलप करते हैं

तो so, हमारे लिए ये जरूरी होगा कि हम हॉलिस्टिक व्यू में चीजों को रिसीव करें हम हॉलिस्टिक व्यू में चीजों को परसीव करें बिकॉज ओवरऑल जब हम एक पूरी पिक्चर को देख पाएंगे तभी हम उसकी कॉम्प्लिकेशन और उसकी एसोसिएशन को अंडरस्टैंड वो कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारा मैनेजरियल स्टांस वो ओमनीपोटेंट हो या सिंबॉलिक हो हमें यह देखना होगा कि हमारे लिए क्रिएटिव थाट प्रोसेस वो कैसे जनरेट होता है इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम अच्छे लीडर हम इफेक्टिव लीडर वो कैसे बन सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट वो हम कर सकें थैंक यू